हज उम्रे को जाते हैं, अल्लाह ताला चाहे तो उसे वो जज, चाहे तो वापस लौटा दे जिंदगी के साथ, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन फिर भी कह रहा मैं दोनों सूरत में उसको इनाम इकराम से नवाज दूंगा, क्योंकि वो मेरे घर आया था, ये भी अल्लाह का घर है। लेकिन उसकी बात कुछ और है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जिस शख्स की हरबैन यानी मक्का या मदीना में किसी एक में मौत वाक़िअ हुई तो रोज़े क़यामत वो हालत अमन में उठाया जाए, यानी उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी। हजरत सलमान फारसी से मानिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हरबैन में से किसी एक हरब में मौत हुआ है, या मक्का या मदीने किसी में भी, तो मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई, वो रोज़े क़यामत वो अहले अमान में से होगा, यानी कि उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल होगा अल्लाह की तरफ से। आइए एक और हदीस की तरफ चलते हैं। जब अल्लाह के महबूब को हुक्म हुआ मक्का छोड़ने का, आप सब जानते हैं बात, लोगों ने तय किया, फिर अल्लाह का हुक्म तो मदीने जाना है, उनको हिजरत कर दिए। अगर मदीने न जाते तो रोजा कैसे बनता, आशिक कैसे जाते मदीने, अस्सलाम वस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह कैसे कहते। तो उसकी बात एक लिखी हुई बड़ी प्यारी, तो आपकी दिलजोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में दाखिले की खुशखबरी अल्लाह ताला ने पहले सुना दी, पहले सुना दी, जिसको कब होगा पहले खुशखबरी सुना दी। चाहे बाप पिताजी बड़े हुए, जिंदगी गुजारी, बचपन गुजरा, सबको हमारे अपने अपने गाँव से मोहब्बत होती है, यार हमारा गाँव भी है, हमने बचपन क्या गुजारा, इस तरह इस तरह। तो यूं मदीना तैयबा की मोहब्बत के बायस उस पर दाखिल होने के जिक्र से आप उनके घर पे अंदर वो सुकून और फरत बख्श थी, ताकि मदीना मुनव्वर की खुशी के तसव्वुर में आप सब मक्के से जुदाई का गम भूल जाए। अब ये जरा गौर करो, हमें मदीने से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह को कितनी मोहब्बत थी मदीने, तभी तो उसको मदीना बनाते हैं, रब का घर बनाते हैं। इसलिए खुशी की बात पहले की और रब की बात बाद में की रखी के साथ। अब पैदा करने वाला अल्लाह था, अल्लाह ताला खुद उसको को दुरूद और सलाम पढ़ा है और चाहता है कि मेरे महबूब का दिल भी टूटे, मेरे महबूब का दिल भी टूटे, कुछ कभी सुना दी, अगर तू यहां से निकलेगा तो मदीने में तेरा जुदा होगा। हजरत अबू हुरैरा बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ऐसे शहर से हिजरत करने का हुक्म दिया है जो मुझे तमाम शहरों से ज्यादा महबूब है, बस तू मुझे ऐसे शहर में मुकीम फरमा जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अब गौर करना, दोबारा सुनता हूं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, यानी नबी फरमाया, अर्ज कर अल्लाह की बात, तूने मुझे ऐसे शहर से हिजरत करने का हुक्म दिया है जो मुझे तमाम शहरों से ज्यादा महबूब है। यार के फकीर वहां पैदा हुए, बाबू सरकार को बड़ा अजीज था, अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब, वक्त तू मुझे ऐसे शहर में मुकीम फरमा दे जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो। इसका मतलब अल्लाह का पसंदीदा महबूब शहर मदीना, महबूब का यह था, अल्लाह का वो था, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब शहर में जा ताकि तू लोगों का महबूब बन जाए, मेरे महबूब शहर में चला जा, मेरे पसंदीदा शहर में चला जा ताकि तू मेरे अपने महबूब महबूब के ऊपर के हो, तू पसंद आ जाए, उनका तू महबूब बन जाए, तुझ पे आशिक हो जाए, तुझ पे जाके निछावर कर दे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में मुकीम फरमा दिया। जब सफर से वापस तशरीफ लाते हुए मदीना मुनव्वर की दीवारों को देखते, अब सुनना, हम अपनी मोहब्बत की बातें सुना दे, किससे सुना दे, अब ये महबूब इश्क की बात सुनो। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस तशरीफ लाते, गौर से सुनना, लाते हुए मदीना मुनव्वर की दीवारों को देखते, जिस तरह से जाते मदीना उतरते मदीना गलियों को देखते और मोहब्बत बढ़ती है और महबूब बढ़ती है, रसूलुल्लाह के रोजे को देखेंगे फिर क्या आलम होगा। अब ये महबूब खुद महबूब सरकार की बात हो रही, उमर की बात नहीं हो रही, महबूब की बात हो रही। जब मदीना मुनव्वर की दीवार को देखते तो अपनी ऊंटनी को तेज कर देते,
इसका मतलब मोहब्बत की आग दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। बहू को अल्लाह के शहर से इतनी मोहब्बत है कि वो मदीने से बेहिसाब मोहब्बत करता था, इसीलिए बहू की उम्मत को मदीने वाले वीर से भी शिद्दत से मोहब्बत है। ये इश्क का सौदा है, ये इश्क का सौदा है। तकरीबन किताब का मुदा है क्या दो दिन के अंदर, तो मुझे ये हदीस सबसे बड़ी प्यारी, सबसे बड़ी प्यारी। एक अजीब बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह को मदीने से इतनी मोहब्बत में बहू सरकार उस दौर में जब आया लाखों रमजान, एक बुरा खत्म करो, लाखों बुरा खत्म सवाल, एक रुपया खराब करो।